नमस्कार दोस्तों, आपका मैं भुवनेश शर्मा अपने YouTube चैनल शक्तिशाली किसान पर सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं महाराष्ट्र पुणे के अंदर आया हुआ हूं और यहां पर किसान भाइयों का एक कृषि मेला लगा हुआ है और ये जो मेला हर साल लगता है 2023, ये जो मेला 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चल रहा है और इसमें काफ़ी किसान काफ़ी दूर से आ रहे हैं। ये जो मेला है भारतवर्ष में नंबर एक का मेला है। किसान भाइयों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से ये जो मल्चर मशीन है आपको दिखाने वाला हूँ। ये मल्चर मशीन किसान भाई के किस काम में आने वाली है और क्या करने वाली है वो सारी जानकारी आज वीडियो में देने वाले हैं। मल्चर मशीन का मतलब है, जैसे किसान भाई अपनी फसल काट लेता है, उसके बाद में जैसे गन्ना काटा, गन्ने के बाद खेत में पत्ती रह जाती है, या जैसे हम धान काटते हैं, धान के बाद ऊपर से जो धान काटते हैं तो नीचे का धान रह जाता है, उसको काट के ये मट्टी में मिलाने वाली जो मशीन है इसका नाम है मल्चर मशीन। जो कंपनी के मालिक हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम उनसे परिचय करते हैं और ये क्यों तैयार करा है पूरी जानकारी देंगे। अब बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले आप अपना परिचय दें सर। सर, मेरा नाम राम तीरथ है। मैं अभी महाराष्ट्र सर्विस इंजीनियर के तौर पर अवेलेबल हूँ। यहाँ पर पूरा महाराष्ट्र की सर्विस देखता हूँ। अच्छा। क्योंकि अभी हमारा एक्स्ट्रा मल्चर है, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज लेते हैं सर। अच्छा, तो बात करते हैं, ये एक्स्ट्रा मल्चर आपने तैयार करा है किसान भाइयों के लिए, क्या काम करने वाला है सर? सर, जैसे कि अपना एक्स्ट्रा मल्चर है, इसका नाम है एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मल्चर। अच्छा। एक्स्ट्रा का मतलब है जो खरपतवार रहता है, जैसे कि हमारा कम्बाइन है, कम्बाइन गेहूँ काटने के बाद में उसमें थोड़ा वो बचता है एक्स्ट्रा, ठीक है, उसको बारीक करके खेत में बिखेर देता है टोटल। अच्छा। गन्ना हो गया, उसके बाद धान हो गया, मक्का हो गई, लहसा हो गया, सरसों हो गई, सबका ये बारीक करके खेत में बिखेर देता है टोटल। अच्छा, तो खाद के काम में उपयोग होने वाली चीज है? कंपोस्ट बनने के लिए पूरा छोड़ दिया जाता है। अच्छा, आप बात करते हैं सर, इसमें आपने गियर बॉक्स लगाया है, ये गियर बॉक्स क्या है, ये कितने का है सर? जैसे कि अपना सिंगल स्पीड गियर बॉक्स है जी, ये हाई क्वालिटी का है। अच्छा। हाई क्वालिटी का है, जिसमें कि 13-13 का गियर लगा है, इस पर गियर बोलते हैं उसको। अच्छा। और उससे डायरेक्ट जो पावर जाती है ट्रैक्टर से, वो डायरेक्ट हाफ करके आधा करके बेल्ट की सहायता से हमको रोलर में पहुंचा देती है। अच्छा, ये बेल्ट घुमाने के लिए? हाँ, बेल्ट घुमाने के लिए। अच्छा, तो ये पिछला हिस्सा भी आपने इसे घुमाने के लिए बना रखा है? हाँ, यहाँ से ड्राइव मिलती है पूरा शाफ्ट को। अच्छा, अब बात करते हैं सर, ये जो आपकी ने बनावट दी है इसकी, सर ये बड़े अच्छी बनावट के अंदर दिया है, इसका क्या कारण है सर? सर, जैसे कि अपना वाइब्रेशन होता है, हम डायरेक्ट पतरा वो लगाते हैं, पट्टी लगाते हैं, तो टूटने का ज्यादा चांस रहता है। अच्छा। इससे क्या होता है कि पूरा सपोर्ट मिलता है टोटल। अच्छा। तो इसे कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चलाएगा सर? सर, इसके लिए हम 50 HP का ट्रैक्टर यूज करते हैं। अच्छा। रिक्वायरमेंट रहता है इसका 50 से नीचे चला सकता है इसको सर? नहीं सर। अब बात करते हैं सर, इसमें ये पीछे आपने ब्लेड लगा रखे है, किस क्वालिटी के ब्लेड है सर, इनके बारे में बताएं थोड़ा। सर, जैसा कि जानते हैं कि हम ये वाई टाइप का ब्लेड है, ठीक है जी, वाई टाइप का ब्लेड है, जिसमें टोटल क्वांटिटी है जी, ब्लेडों की संख्या टोटल 84 पाए जाते हैं। अच्छा अच्छा। एक रो में अपना 11 ब्रेकेट पाए जाते हैं जो। अच्छा। उसमें एक ब्रेकेट में दो ब्लेड लगते हैं। अच्छा, तो इसमें कितने रूम है? एक में रहता है लगभग 4, एक में 11 रहता है पूरा, एक रो में, सेकंड रो में 10 रहता है। अच्छा अच्छा। अब बात करते हैं, इसके पीछे जो रोलर सा लगा रखा है सर, ये क्या काम करता है? सर, रोलर का काम करता है, जैसे कि अपना पूरा वो कटा बारीक होके खेत में बिखेर दिया गया, ठीक है, कुछ मिट्टी ऊपर रह जाता है, उसको प्लेन करने के लिए काम करता है। अच्छा, मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए। अच्छा, और बात करते हैं सर, ये ऊपर वाला डाला होगा इसके सर? हाँ, ये अटैचमेंट होता है, ये अंदर ही पैक होता है टोटल। अच्छा, पूरा पैक होता है? पैक होता है। ये तो खोलने के लिए, किसान भाइयों को दिखाने के लिए आपने खोल रखा है? हाँ, किसान भाइयों को दिखाने के लिए खोल रखा है हमने। अच्छा, अब बात करते हैं सर, ये जो आपने इधर लगा रखा है इसको क्या बोलते हैं, चैन बॉक्स? इसको बोलते हैं सर, इसमें अपना साफ है, मेन साफ से पुली लगी है। अच्छा। बेल्ट है, पूरा बेल्ट। अच्छा। बेल्ट की सहायता से पूरा रोटेट होता है। अब बात करते हैं सर, इसमें बैरिंग कौन सी कंपनी के लगा रखी है आपने सर? सर, बैरिंग यूसीबी की लगी है, टोटल 210 नंबर की रहती है। अच्छा। अब बात करते हैं इसके कलर के बारे में, आपने ये रंग करा है, किसान भाई के पास जगह नहीं होती और बाहर खड़ा कर देता है, तो ये रंग उतरेगा तो नहीं पपड़ी के रूप में? नहीं नहीं, पपड़ी के रूप में नहीं उतरा है, हाई क्वालिटी का, अच्छे क्वालिटी का कलर है। अच्छा, किया जाता है।
और इसके बाद क्या बनाते हैं आप? रोटावेटर भी बनाते हैं सर? हाँ, जैसे कि हमारी कंपनी टोटल आइटम बनाती है। अभी ये रोटावेटर है अपना, ये 5.5 फीट का रोटावेटर है। अच्छा, 39 ब्लेड है टोटल। अच्छा, 5.5 फीट का है? 5.5 फीट का है। अच्छा, कितने ब्लेड के अंदर है ये? 39 ब्लेड है इसमें टोटल। अच्छा, गियर बॉक्स कितने का है इसका सर? गियर बॉक्स में 13 बाइस का गियर बॉक्स है इसमें। अच्छा, उसके बाद फिर ये 1000 RPM के लिए 13 बाइस लगाते हैं, नहीं तो अगर 540 चाहिए हमको तो वो गियर चेंज कर देते हैं। अब बात करते हैं सर, ये कितने HP का ट्रैक्टर इसको चला सकता है सर? ये 50 HP का आराम से चला सकता है महाराष्ट्र के एरिया में। अच्छा, महाराष्ट्र के एरिया में। अदर एरिया में हमारा 35 HP से ऊपर ही चलता है। अच्छा अच्छा, तो सर इस रोटावेटर की आपने कीमत क्या कर रखी है सर? अभी इसका कीमत पड़ेगी 25 के साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये जो सामने मैं देख रहा हूँ ये क्या चीज है सर? ये तो बहुत बड़ी मशीन आपने तैयार करी है। इसको बोलते हैं कंबाइन हार्वेस्टर। अच्छा, कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। ये दशमेश अमरगढ़ में बनती है। अच्छा, ईश्वर फार्म लाइन इक्विपमेंट के नाम से। अच्छा, अब बात करते हैं सर ये फसल को, कितनी फसल का एरिया एक फेरे में ले जाती है सर? सर ये 8.5 फीट का अपना कटर बार है। अच्छा पूरा, और इसका इंजन जो है 74 HP का है टोटल। अच्छा अच्छा, और ये जो बॉक्स दिख रहा है इसको ऑगर बोलते हैं। अच्छा, इसमें 36 का वो साइज है टोटल। अच्छा अच्छा, अब बात करते हैं सर इसे, जैसे नया किसान ले भी लेता है तो ड्राइवर इसमें कैसे चलाएगा इसको सर? क्या सर? जैसे ट्रैक्टर वाला ड्राइवर है वो चला सकता है या अलग से ड्राइवर आएगा इसमें? नहीं नहीं, ट्रैक्टर वाला चला सकता है इसमें टोटल। अच्छा, इसमें कुछ खास नहीं है। अच्छा, बात करते हैं इसके डीजल की खपत क्या रहने वाली है सर? डीजल की खपत 5 से 6 लीटर पर आवर रहती है। अच्छा, घंटे में कितने एरिया को काट सकता है सर ये? घंटे में 0.5 हेक्टेयर का एरिया कवर कर सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये और ये यहाँ से इसमें क्या निकलता है सर? इसमें इसको ग्रेन अगर बोलते हैं। अच्छा, जो अपना ग्रेन आता है वो खाली करने के लिए ट्रॉली में भरने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, जो भी यहाँ से अनाज आएगा वो इसके द्वारा आएगा, डायरेक्ट ट्रॉली के अंदर जाएगा? ट्रॉली के अंदर। अच्छा, भूसा किधर से निकलता है इसमें सर? इसमें भूसा नहीं निकलता, जो एक्स्ट्रा बचा रहता है वो पीछे साइड से निकलता है। अच्छा अच्छा, तो किसान भाई ये देख सकते हैं भूसा कहाँ से निकलता है इस मशीन के अंदर, थोड़ा बताना सर। हमारा जो एक्स्ट्रा रहता है वो इधर से एक्स्ट्रा इधर से निकलता है टोटल। अच्छा अच्छा, इसके अंदर से आराम से भूसा निकल सकता है। बात करते हैं सर ये जो इसमें सिलेंडर लगा रखा है ये काहे के लिए लगा रखा सर? ये जैसे कि धूल मिट्टी जम गई तो क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा टायर है वो पंचर हो जाता है या फिर कुछ डैमेज हो जाता है, उसमें हवा डालने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, ये स्टेपनी साथ में सर? हाँ, स्टेपनी साथ में मिलती है। अच्छा, इस पर किसान आराम से ऊपर चढ़ सकता है, आपने सीढ़ी दे रखी है? सीढ़ी दे रखी है। अच्छा अच्छा, और इसके टायर जो आपने दिए सर ये काफी चौड़ी टायर दिए, इनका क्या कारण है? ये इसका कारण है कि जो हाइट है वो ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर तक चले। अच्छा, और BKT कंपनी का टायर लगाते हैं 16.9x28 का है इसका टायर का। अच्छा, और सर इसमें जो लाइट आपने दे रखी है, काफी लाइटें दे रखी है, इनका क्या कारण है? सर इनका जो रात में चलता है ना, उसके बाद फिर वो क्रॉप सही नहीं दिखती थी, इसीलिए पूरा कवर करने के लिए पूरा डिस्टेंस भी मेंटेन करती है। अच्छा, दूर तक दिखता है पूरा टोटल। अच्छा, स्टीयरिंग प्रेशर में सर इसका? हाँ, स्टीयरिंग प्रेशर में अपना। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ सर इसमें काफी तार से दिए रखे हैं, इनका क्या कारण है? सर इसका इसको रेल बोलते हैं, जो अपना गेहूं की फसल रहती है जी, उसको कलेक्ट करके आगर है। अच्छा, जो मोटा सा दिख रहा है जो पाइप है वो पाइप के रूप में जी, उसको आगर बोलते हैं, वहां तक पहुंचाता है, वहां से सीधा अंदर एक्स्ट्रा के अंदर जाता है, ले जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं सर इसमें जो ब्लेड की क्वालिटी आपने दे रखी है, ये किस क्वालिटी के ब्लेड इसके अंदर दिए सर? ये हाई कार्बन स्टील का रहता है टोटल। अच्छा, जल्दी टूटता नहीं सर? टूटता नहीं है ना, घिसता है टोटल। अच्छा अच्छा, एक सीजन चल सकता है ब्लेड? हाँ, एक सीजन चलता है ना। अच्छा, इसकी गारंटी क्या रहने वाली है सर? गारंटी इसका जैसे कि 5 साल के देते हैं हम सब। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 5 साल की गारंटी है? अच्छा, इंजन की 5 साल की गारंटी रहती है। अच्छा अच्छा, और इसकी कीमत क्या कर रखी है सर यहाँ आपने मेले में? अभी मेले में इसकी कीमत है 22 लाख। अच्छा अच्छा, अभी मैं तीसरा यंत्र आपका देख रहा हूँ, बहुत शानदार तैयारी करा है, इसका क्या नाम रखा सर? इसका नाम है MB प्लाव, महाराष्ट्र में इसको नागर के नाम से जानते हैं। अच्छा अच्छा, महाराष्ट्र में नागर प्लाव, नागर के नाम से जानते हैं। क्या काम करता है सर? ये मिट्टी को लगभग में 2 फुट के अंदर से बाहर को पलटी करता है। अच्छा, वो पलटी करके उसके बाद ये ऊपर नीचे है, चारों चलते हैं सर ये दो ही?
नहीं, रिवर्सिबल है, खुला हुआ है। इसको पलटी करके आगे पीछे करके चला सकते हैं इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने एचपी का ट्रैक्टर चलाएगा सर इसको? 50 HP से 50 HP। 50 HP का ट्रैक्टर इसको चलाएगा? हाँ। अच्छा, इसमें जो मिट्टी को पलटेगा उसकी क्वालिटी क्या रहेगी? क्वालिटी तो एक नंबर की रहती है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जो अपना कंपोस्ट है, यानी कि फसल को खाद की कमी रहती है, उसको खाद की कमी पूरा करने के लिए पलटी करते हैं। ठीक है। अच्छा, और पैदावारी में वृद्धि होती है इससे? हाँ। अच्छा, अब बात करते हैं सर, एक मशीन और है आपकी, उसके बारे में बताएं सर। अब बात करते हैं सर, ये जो मशीन आप, मैं देख रहा हूँ, ये क्या काम करती है भैया? सर इसका नाम मोबाइल स्प्रेडर है। अच्छा। जो कि जो हरी फसल रहती है, जैसे कि मक्का हो गया अपना जी, और गन्ना हो गया जी, और ज्वार बाजरी जो भी है जी, उसको खड़ी फसल रहती है। ठीक है। खड़ी फसल रहती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कलेक्ट करके ट्रॉली में इकट्ठा कर देती है। अच्छा, तो ये पशुओं का चारा बनाने के लिए काम आती है? पशुओं का चारा, साइलेज बनाने का काम करती है। अच्छा, अब बात करते हैं सर, इस मशीन को चलाने के लिए कितने एचपी का ट्रैक्टर की जरूरत है? इसको चलाने के लिए 50 HP ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। अच्छा। इसमें डबल गियर बॉक्स लगा रहता है। अच्छा अच्छा, एक सिंगल गियर बॉक्स है, एक मल्टी स्पीड गियर बॉक्स है। अच्छा, इसके अंदर भीतर क्या ब्लेड लगवाए हैं सर? इसमें 8 ब्लेड पाए जाते हैं। अच्छा। और ब्लेड को धार देने के लिए हमने ग्राइंडर लगाया है इसका। अच्छा अच्छा, टोटल तो इसकी कीमत क्या होने वाली है? इसका आपको 3,25,000 पड़ जाती है। अच्छा। महाराष्ट्र में मुट्ठा लगाया जाएगा पीछे से, जो इसके अंदर चारा लगाया जाएगा, कहाँ से लगता है? यहाँ पर सिंगल के थ्रू अंदर ले जाते हैं। अच्छा। यहाँ ब्लेड लगा अपना रोलर के रूप में। अच्छा। और वो कट करता है टोटल। अच्छा अच्छा, और इस पे गारंटी वारंटी क्या होने वाली है भैया? गारंटी इसका 1 साल की रहती है। 1 साल की गारंटी रहती है? हाँ। अच्छा, अब आपने गारंटी वारंटी बता दी, इन पर सब्सिडी प्रूफ है सर? सब्सिडी अप्रूव्ड है ना? अच्छा, अप्रूव्ड है सब्सिडी। जैसे किसान भाई लेना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, तो आपकी कंपनी कहाँ पर है, एक बार कंपनी का पता और बताएं। कंपनी है पड़ेगी अमरगढ़ पंजाब में, जो मलेरकोटला और नाभा के बीच में है। ठीक है, वहाँ पर अपनी कंपनी स्थित है। टोटल कंपनी का कोई नंबर जिससे किसान भाई संपर्क कर सकता है? हमारा टोल फ्री नंबर है जी 7837 जी 494949। किसान भाई करिएगा, वो आपको डायरेक्ट कंपनी में कॉल जाएगा, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं।